डेली यात्रा व्लॉग से जुड़े हुए सभी आदरणीय सदस्यों को प्रेम भरी जय माता दी के साथ साथ सभी मित्रों को जिला रियासी व केंद्र शासित प्रदेश जम्मू व कश्मीर से मैं सोमराज शर्मा आप सभी का अपने नए व्लॉग में हार्दिक स्वागत करता हूं और सबको कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। तो फिलहाल साथियों एक बार फिर से नई और ताज़ा वीडियो लेकर मैं उपस्थित हूं। आप देख रहे हैं आपका अपना सा प्यारा सा YouTube चैनल डेली यात्रा व्लॉग, जिस चैनल के माध्यम से खासकर जम्मू कश्मीर में जितनी भी यात्राएं चलती हैं उनके बारे में आप लोगों को जानकारियां जो प्राथमिक होती हैं, चाहे वो प्रशासनिक जानकारियां हों, चाहे वो मौसम से जुड़ी जानकारियां हों, चाहे वो यात्रा के लिहाज से जानकारियां हों, चाहे वो यात्रा के आंकड़े से जुड़ी जानकारियां हों, तो ये जानकारियां आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब चैनल डेली यात्रा व्लॉग पर देने का मेरा पूरा प्रयास पिछले कुछ महीनों से कंटिन्यू कर रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात ये कंटिन्यू तब ही कर पा रहा हूँ क्योंकि देश विदेश से जुड़े हुए इस चैनल से सदस्यों ने काफ़ी सहयोग हमेशा से किया है और आगे भी साथियों मेरा कुछ इसी प्रकार से प्रयास रहेगा। तो आज की अगर बात करें साथियों तो पूरे जम्मू कश्मीर के साथ साथ हमारे रियासी ज़िले में भी आज मौसम के लिहाज से बेहद खूबसूरत खुली जो है धूप जो है छाई हुई है, जिसका नज़ारा आप लोग देख रहे हैं। समूचे त्रिकुटा पर्वत का यह नज़ारा आप अपने शहर से अपने घर से अपने राज्य से बैठकर देख रहे हैं और मन ही मन में ऐसा भी लग रहा होगा आपको कि कहीं ना कहीं आप लोग एक अलौकिक दर्शन सामने चरणपाद का मंदिर के साथ में अर्धकुंवारी मंदिर के दर्शन भी आप लोग कर रहे हैं। वो कहते हैं ना कि साथियों दुनिया से मांगेंगे हम तो हमेशा ताने ही मिलते हैं, लेकिन जगजननी माँ वैष्णो देवी से मांगोगे तो खजाने ही मिलते हैं। तो फिलहाल एक बार सभी आप सब खासकर जो लोग इस वीडियो को देखोगे तो उन सब से आग्रह कि कमेंट सेक्शन में जय माता दी ज़रूर टाइप कीजिए और चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी आप सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो फिलहाल ये है साथियों आज दोपहर का नज़ारा। सुबह से ही यात्रा के लिहाज से अगर बात करें तो यात्रा लगातार जो है निरंतर चल रही है माता वैष्णो देवी के दरबार में और देश विदेश से माता वैष्णो देवी के प्रेमी जो हैं भक्त हैं अपने परिवार संग जो हैं यात्रा करने के लिए नगर कटरा पहुंच रहे हैं और अपना अपना पंजीकरण करके यात्रा शुरू कर रहे हैं। वही बात करें रास्ते में जैसे घोड़ा पिट्ठू पालकी के साथ साथ बैटरी कार रोपे केबल कार हेलीकॉप्टर तमाम सुविधाएं जो हैं आज मौसम बिल्कुल साफ है तो यात्रियों के लिए उपलब्ध हैं। तो ये थी साथियों छोटी मोटी जानकारियां। इसके अलावा भी अगर आपके मन में खासकर कोई सवाल विचलित करता है जिसकी आपको कोई सही से जानकारी नहीं है उसके लिए आप लोग खासकर मेरे इंस्टाग्राम पेज डेली यात्रा व्लॉग को फॉलो कीजिए और मैसेज कर दीजिए। तो ये मेरा प्रयास मेरी पहल कोशिश आपको कैसी लगती है ज़रा वो भी आप ज़रूर लिखिए। तो फिलहाल कुछ इन्हीं जानकारियों के साथ आज के लिए सोमराज शर्मा जिला रियासी व केंद्र शासित प्रदेश जम्मू व कश्मीर से इन्हीं कुछ बातों के साथ मैं ले रहा हूँ अनुमति। चलते चलते माँ भगवती से यही प्रार्थना है कि माँ हम सभी भक्तों पर हमेशा अपनी जो है असीम कृपया बनाए रखे। जय करां शेरा वाली दा बोल सांचे दरबार की जय।